जय हिंद फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का सबसे स्पेशल टॉपिक है फुल फॉर्म रिसेंटली में यूपी ट्रिपल एस के द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर में फुल फॉर्म से दो से तीन प्रश्न पूछे गए हैं जहाँ जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है तो फ्रेंड्स जो लेटेस्ट सिलेबस है सभी में कंप्यूटर पूछा जाएगा तो आने वाले टाइम में लाइनअप में कई एग्जाम लगे हुए हैं बी पी के एग्जाम है स्टेनोग्राफर का है जूनियर असिस्टेंट का है तो यह वीडियो आपके यूपीटर प्लस के वरदान साबित होने वाला है क्योंकि सभी प्रश्न बार बार रिपीटेड जो हुए हैं सभी क्वेश्चन को यहां पर शामिल किया गया है ठीक है कंप्लीट वीडियो इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहला फुल फॉर्म है यहां पर सी एस आई सी एस आई का फुलफॉर्म क्या है तो सी एस आई का फुलफॉर्म है कॉमन सिस्टम इंटरफेस है क्या है कॉमन सिस्टम इंटरफेस अगला है ए पी के यह फॉर्म पूछा गया है आपके आईटीआई अनुदेशक के एग्जाम में और इसका फुल फॉर्म है एंड्रॉयड अप्लीकेशन पैकेज है क्या है एंड्रॉयड अपलीकेशन पैकेज इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको जरूर याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है सी टी सी पी सी टी सी पी का फुलफॉर्म है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल क्या है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल सी टी का अर्थ हो गया क्लाइंट टू और यहाँ पर सी पी का अर्थ हो गया क्लाइंट प्रोटोकॉल यानी क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल हो गया अगला है सी डी एम में काफी बार रिपीट हो चुका है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है नेक्स्ट वन है सी डी आर का फुल क्या है कंपैक्ट डिस्क रिकार्डेबल है अगला है पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है तो पावर सफल यूनिट होता है याद रखिएगा क्या है पीएस यू का फुल फॉर्म पावर सफल यूनिट होता है नेक्स्ट वन है डबल ए सी का फॉर्म क्या होता है ए ए सी का फॉर्म एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग होता है क्या होता है एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग नेक्स्ट है ए आई हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं और कंप्लीट हो चुका है तो ए आई का फॉर्म क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट है अर्पानेट अर्पानेट का फॉर्म क्या है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क क्या है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है यहाँ अरपा में आपको अरपा अलग कर देना है नेट अलग कर देना है नेट से हो जाएगा नेटवर्क और अरपा से में ए से हो जाएगा एडवांस आर से हो जाएगा रिसर्च पी से प्रोजेक्ट और ए से एजेंसी तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हो जाएगा अगला है ए एल काफ़ी रिपीटेड है एल का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है नेक्स्ट है एल्गोल एलगोल का फुल फॉर्म क्या होता है अर्थमेटिक लैंग्वेज होता है क्या होता है अर्थमेटिक एल्गोर्थमिक लैंग्वेज होता है ठीक है नेक्स्ट है एओ एल का फॉर्म क्या होता है अमेरिका आउटलाइन होता है क्या होता है अमेरिका आउटलाइन नेक्स्ट है एपीआई एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस नेक्स्ट वन है एपीटी APT का फुल फॉर्म है एपीटी का पूर्ण रूप है क्या होता है अगला क्वेश्चन ए आर पी का एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है एड्रेस्ड रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल नेक्स्ट वन है एएसपी एस पी काफी बार पूछा जा चुका है एक्टिव सर्वर पेज्स होता है क्या होता है एक्टिव सर्वर पेज्स एस पी का फॉर्म होता है अगला है ए टी एम का फुल फॉर्म क्या होता है ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है ठीक है अगर आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं दिया है ऑप्शन में तो आपको ए फॉर्म याद रखना है ए संक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है ए यूआई का फॉर्म क्या होता है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस अगला है ए टी ए टी का मीन्स होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होता है क्या होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अगला क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है बहुत बार पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट के एग्जाम में ए एस सी आई आई इसका क्या होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ए एस सी आई आई का होता है अगला है ए वी आई ए वी आई का मीन्स क्या है ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है क्या होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है नेक्स्ट है काफी रिपीट हुआ क्वेश्चन बीसीसी का अर्थ क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है बीसीसी दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ईमेल अगला है बेसिक बेसिक का फॉर्म क्या होता है बिगनर्स आल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है यानी क्या होता है बिगनर्स आल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है नेक्स्ट है नेक्स्ट वन है बीपीएस बीपीएस का अर्थ क्या होता है बीपीएस का अर्थ होता है बाइट्स पर सेकंड होता है क्या होता है बाइट्स पर सेकंड बीपीएस का अर्थ होता है इसको याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है बीपीएस का अर्थ होता है बाइट्स पर सेकंड होता है नेक्स्ट है बी सी का अर्थ होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है क्या होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल अगला है बी एस टी एम एल बी एस टी एम एल का अर्थ होता है ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहां एस टी एम एल आप सभी को पता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसी में बी एड कर दिया है तो बी का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट तो ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया इसका पूर्ण रूप अगला है बी आई यू बी आई यू का अर्थ होता है बस इंटरफेस यूनिट होता है नेक्स्ट है बी एम पी का फुलफॉर्म क्या होता है बिट मैप इसको याद रखिएगा बी एम पी का फुलफॉर्म होता है बिट मैट होता है क्या होता है बिट मैप नेक्स्ट वन है बी टू सी बी टू सी का अर्थ क्या होता है बिजनेस टू कंज्यूमर होता है अगर यम टू यम कहे तो यम टू यम का मतलब होता है मशीन टू मशीन क्या होता है मशीन टू मशीन और यहां पर बी टू सी कह रहा है तो बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया अगर बी टू बी कहे तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट फुल फॉर्म है भी यहाँ पर बी टू बी का अर्थ क्या होता है बिजनेस टू बिजनेस होता है नेक्स्ट है सी यू आई सी यू आई का अर्थ क्या होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है क्या होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है नेक्स्ट है सी एस एस सी एस एस का अर्थ क्या होता है यहाँ पर कैश स्टाइल सीट्स होता है ठीक है याद रखिए कैश स्टाइल सीट्स नेक्स्ट है सी पी आई सी पी आई का अर्थ होता है क्लाक या साइकिल पर इंस्ट्रक्शन होता है क्या होता है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन या क्लॉक uh, पर इंस्ट्रक्शन होता है सी सी का अर्थ क्या होता है कार्बन कॉपी क्या होता है कार्बन कॉपी सी ए आई सी ए आई का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होता है नेक्स्ट वन है CDMA. CDMA का है का अर्थ होता कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है इसके ऊपर भी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है सीआरटी यह फॉर्म जो है यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया है आपके आई टी आई अनुदेशक के परीक्षा में जो अभी रिसेंटली में पेपर हुआ था ठीक है तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब होता है बस इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप हंड्रेड परसेंट एग्जाम में करके आएंगे ठीक है है ये आपके प्रमोद सर का वादा नेक्स्ट है।, है कोबोल कोबोल का है? कोबोल का का फुल फॉर्म क्या क्या है है रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है क्या है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है नेक्स्ट है सीआईएससी सीआईएससी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स होता है अगला क्वेश्चन है सी ए डबल डी का अर्थ क्या है तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इन ड्राफ्टिंग होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन अगर सी ए डी का फुल फॉर्म पूछे तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है लेकिन इसमें और डी अगर ऐड कर दे तो आपका ड्राफ्टिंग हो जाता है क्या होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन ड्राफ्टिंग होता है नेक्स्ट वन है सी ए पर तो सी भी आ गया अगला फुल फॉर्म तो कंप्यूटर एड डिजाइन होता है अगर सी का पूछे तो कंपैक्ट डिस्क होता है सी डी आर डी सी डी आर डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है कंपैक्ट डिस्क री होता है अगला है सी का फुल फॉर्म क्या होता है सी का अर्थ होता है सी का अर्थ होता है कमांड होता है क्या होता है सी का अर्थ कमांड होता है इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है सी डी रोम का अर्थ क्या होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है और सी रोम अगर कहे तो सी रोम का अर्थ है कंप्यूटराइज रेंज ऑफ मोशन होता है इसको याद रखिएगा यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है सी रोम का अर्थ क्या होता है कंप्यूटराइज रेंज ऑफ मोशन होता है नेक्स्ट वन है कैम कैम का अर्थ क्या होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है याद रखिएगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम का फुल फॉर्म है नेक्स्ट है डेट का फुल फॉर्म क्या होता है डिजिटल ऑडियो टेप होता है क्या होता है डिजिटल ऑडियो टेप अगला है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर होता होता है 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 डीएनए का का फुल फॉर्म अगला डीडीआर डीडीआर अर्थ क्या डबल डेटा रेट होता है डीडीआर का अर्थ होता है डबल डेटा रेट अगला फुल फॉर्म है डाट पर इंच क्या है डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है डाट पर इंच है इसको याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है डीपीआई का पूर्ण रूप है डाट पर इंच होता है। अगला क्वेश्चन है डी एम एल डी एम एल का अर्थ क्या होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है क्या होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉक का पूर्ण रूप क्या होता है डाटा ऑप्टिमाइजेशन या डाटा यहाँ पर डेट ठीक है सॉरी यहां पर डी ओ सी का अर्थ क्या होता है डेट ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर होता है ठीक है डॉक का फुल फॉर्म क्या होता है डेट ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर होता है अगला है डी एच टी एम एल तो अभी हमने एच टी एम एल को पढ़ा है और यहां पर डी ऐड कर दिया है तो डी का मतलब क्या हो जाएगा डायनेमिक हो जाएगा क्या हो जाएगा डायनेमिक्स हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज होता है और डी ओ सी का अर्थ क्या होता है डॉक्यूमेंट होता है डी बी डी का पूर्ण रूप क्या होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है और डी बी आई का पूर्ण रूप पूछे तो डिजिटल विजुअल इंटरफेस होता है नेक्स्ट है डीडीएल का अर्थ क्या है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है क्या है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डी का पूर्ण रूप है नेक्स्ट है डी रैम का पूर्व रूप क्या है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है डी काफी बार पूछा जा चुका है <coughs> तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्या होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डी बी का अर्थ क्या होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल होता है अगला है डी बी का अर्थ क्या होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल होता है नेक्स्ट है डी बी का अर्थ क्या होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है अगला फुल फॉर्म कई बार रिपीट हो चुका है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला फुल फॉर्म तो आपको याद करना है डारपा नेट डार्पा नेट का फुलफॉर्म क्या होता है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क क्या है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है ई e कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? एज का पूर्ण रूप क्या होता है ईडी जी ई का अर्थ होता है इनहेंस डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन होता है इनहेंस डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन होता है ईडीआई का अर्थ क्या है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ईडीआई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है नेक्स्ट है ईडीपी का अर्थ क्या है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी ईडीपी का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग अगला है एफ का अर्थ क्या, 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 क्या होता है फाइल सिस्टम होता है एफडीपी का अर्थ क्या है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है फोट्रॉन का पूर्व क्या होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है यी का अर्थ क्या होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है एफ का पूर्ण रूप क्या है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर होता है क्या होता है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर एन का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड यहाँ पर कैलकुलेटर होगा क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड यहाँ पर कैलकुलेटर एन का ई डी सेक का पूर्ण रूप क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है अगला है ई डी वैक का फुल क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूट है नेक्स्ट है ई का अर्थ है एक्सा बाइट है क्या है एक्सा बाइट और ई का अर्थ क्या है यहां पर एक्स बाइट होता है क्या होता है एक्स बी बाइट अगला है ई रोम का अर्थ क्या है इरेज़ब यहां पर इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होगा ई आई बी का अर्थ क्या है एक्स बाइट होता है रोम का अर्थ होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होता है और यह फॉर्म दोनों पूछा जा चुका है ई पी रोम का अगर फॉर्म पूछे तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है और वहीं अगर पूछे कि डबल ई डबल ई प्रोम का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ई एफ एस का अर्थ होता है इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम होता है क्या होता है इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम होता है अगला फैट का अर्थ क्या है तो फैट का अर्थ होता है फाइंड एलोकेशन टेबल होता है या फुल फॉर्म हम पढ़ा चुके हैं क्योंकि जब टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन करवा रहे थे उसमें यह फुल फॉर्म आया हुआ था तो फैट का अर्थ क्या है तो फाइंड एलोकेशन टेबल होता है अगला है एफ का अर्थ क्या है फ्रेम्स पर सेकेंड होता है क्या होता है फ्रेम्स पर सेकेंड फ्लॉप्स का अर्थ क्या है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आर फॉर सेकेंड होता है एफ एम का, का अर्थ होता है फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन होता है वहीं जी बी का अर्थ होता है गीगा वाइट और जी आई बी का अर्थ होता है गीबी बाइट होता है नेक्स्ट है गीगो गीगो का अर्थ होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गीगो का अर्थ होता है गार्बेज इन गारबेज आउट होता है और जी जेड एच का अर्थ होता है जी एच जेड का अर्थ है गीगा हर्ट होता है जी आप लोग देखते होंगे इसका अर्थ होता है ग्राफिक्स इंट, इंटरचेंजेबल फॉर्मेट होता है जी का अर्थ होता है ग्राफिकल डिवाइस इंटो होता है इंटू नेक्स्ट है जी पी का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस जी यू आई का होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और जी बी पी एस का आर्था है गीगा बाइट्स गीगा बाइट्स पर सेकेंड होता है थ्री जी पी में अर्थ है थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट क्या है थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट है और थ्री जी डबल पी का अर्थ होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होता है क्या होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जी एम एल का अर्थ होता है जियोग्राफिक मार्कअप लैंग्वेज होता है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है अगला है जी एस एम यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है नेक्स्ट है आई बी एम का अर्थ क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है यह भी कई बार पूछा जा चुका है आई सी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और आई ओ का अर्थ होता है इनपुट आउटपुट होता है आई का अर्थ था इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता है क्या होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता है याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है आई ओ पी का अर्थ है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर अब देखिए यहाँ पर आई पी वी सिक्स आप पढ़ते होंगे या आई पी वी फोर पढ़ते होंगे तो इसका मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए आई पी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और वहीं पर आई पी वी फोर की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल और वी इसमें वर्जन को दर्शाता है एक कौन सा वर्जन चल रहा है वर्जन को बताता है आई पी वी सिक्स अगर चल रहा है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स है अगर वी फोर लगा है तो वर्जन फोर है अगर वी टू लगा है तो वर्जन टू है याद रखिएगा वी का अर्थ वर्जन है नेक्स्ट है इन्फो इन्फो का अर्थ इंफॉर्मेशन अगला फुल फॉर्म है एच डी एम आई का अर्थ क्या है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है नेक्स्ट है एच डबल टी पी एस का अर्थ क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है याद रखिए एच डबल टीपी पी का फुल फॉर्म सभी को पता है लेकिन यस इसमें ऐड किया है तो यस को आपको फोकस करना है सिक्योर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है अगला एच डी का अर्थ क्या होता है हार्ड डिस्क होता है और एच डबल डी का अर्थ क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है एचपीसी का अर्थ क्या होता हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर है और वहीं एचपी का अर्थ क्या है हेलमेट यहाँ पर पैकर्ड यहाँ पर इसका फॉर्म है और हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट है इंटेल इंटेल का अर्थ क्या होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है क्या होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन है यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है वैसे हालांकि सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आई एम ए पी का अर्थ क्या है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है क्या है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है आई एस ओ का अर्थ क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है नेक्स्ट है एच एस डी पी ए का अर्थ क्या होता है तो हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस होता है क्या होता है हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस होता है आईसीटी का अर्थ क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई का अर्थ क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहीं डी की बात करें तो डोमेन नेम सर्वर होता है ये एफ की बात करें एफ का अर्थ होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और वहीं एच डबल टी पी का अर्थ होता है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आईपी का मतलब हमने बता दिया है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आईएसपी आईएसपी का मतलब क्या होता है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर होता है लाइन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क नेक्स्ट है ट्रिपल पी का अर्थ क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है यस ई ओ का अर्थ क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है यह भी कई बार पूछा जा चुका है यू आर एल का फुलफॉर्म क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है वहीं यू एस बी का फुलफॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है और सी पी यू का अगर फुलफॉर्म पूछा तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वी आर का अर्थ होता है वर्चुअल रियलिटी होता है क्या होता है वर्चुअल रियलिटी होता है और वी आर एम एल का अर्थ होता है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज होता है क्या होता है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज होता है वी आर एम एल का फूल रूप नेक्स्ट है डब्ल्यू एम ए का पूर्ण रूप क्या होता है विंडोज मीडिया ऑडियो होता है विंड का अर्थ है विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस होता है नेक्स्ट है एक्सटी का अर्थ क्या होता है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी होता है यह भी कई बार पूछा जा चुका है एक्स एम एफ का है एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल होता है एक्स एम एल का अर्थात एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है एक्स एम एस का है एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन होता है याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है

बाइट होता है इसको भी याद रखिएगा और जिप का अर्थ क्या होता है जेबी बाइट होता है और जेड बी का अर्थ होता है जट्टा बाइट सभी को याद रखिएगा काफ़ी कन्फ्यूज होता है इसमें तो इसको अच्छे से आप लोग याद करिएगा चलिए नेक्स्ट है वी ओ आई पी का अर्थ क्या होता है वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है क्या होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है नेक्स्ट है वी आर ए एम का अर्थ होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है क्या होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी वीपीएन वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अगला है डब्लू ए एन का फुलफॉर्म क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क है वहीं डब्ल्यू ए पी का अर्थ क्या? क्या है वायरलेस अप्लीकेशन प्रोटोकॉल है वार्म का अर्थ है रीड वंस राइट वंस रीड मेनी चलिए नेक्स्ट है डब्लू डब्लू डब्ल्यू का अर्थ क्या है वर्ल्ड वाइड वेब है यहाँ पर डब्लू बी पी एम का अर्थ क्या है डब्लू बी एम पी का अर्थ है वायरलेस इमेज होता है क्या होता है वायरलेस बिटमैप इमेज नेक्स्ट है डब्ल्यू लाइन का अर्थ है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है अगला है का पूर्ण रूप क्या है विंडोज मीडिया और डब्ल्यू एम एल का अर्थ है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज होता है और नेक्स्ट है आपका विंस का पूर्ण रूप क्या होता है विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस होता है क्या होता है विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको जरूर आप पेन डाउन कर लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा जा चुका है विन्स का पूर्ण रूप क्या होता है विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस होता है एक्सटी का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है तो एक्स का होता है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी होता है तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग का फुल फॉर्म से जो इम्पोर्टेंट फुल यहाँ पर कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे फुल फॉर्म से सभी को हमने अच्छे से कवर कर दिया है इस वीडियो को एक से दो बार देख के अपना एक एक से दो नंबर यहाँ से कंफर्म कर लीजिए और यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके यूपी ट्रिपल एस एग्जाम के लिए ठीक है तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही मिलते है मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम